मुजफ्फरपुर से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के बोगी में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मची अफरा तफरी। आनंद फानन में पहुंचे रेल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। घटना करीब दोपहर 2 बजे की है। घटना के बाद बोगी को ट्रेन से किया गया अलग। बिहार में बिजली के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए, उन्हें बिहार की कब चिंता हुई है? हमने तो पहले ही बता दिया था कि बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। भाई, बिजली का बोझ हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे में हम लोगों ने कुछ समय पहले ही आशंका आप सबके सामने जाहिर की थी कि सरकार बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रही है, योजना बना रही है, और ये परिणाम आज सामने आ गया। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ये समय नहीं है कि भैया वो बैठे तरीके की बढ़ते हुए बिजली के दामों को कम किया जा सके। इनके पास फुर्सत है अपनी कुर्सी को बचाने की योजना निकालने का, पर इनके पास ये फुर्सत नहीं है कि बढ़ते दामों को कैसे कम किया जा सके ताकि बिहारियों को कुछ राहत मिले। बिजली दरों में 24% बढ़ोतरी पर बिहार विधानसभा में हंगामा। बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। वहीं बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिजली के दरों में बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग की। बीजेपी ने कहा कि अगर सरकार फैसले को वापस नहीं लेती है तो सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन होगा। ये बिहार सरकार जो है 25% से ज्यादा लगभग बिजली का बिल बढ़ा दिया, जो गांव गरीब किसान के लिए सबसे बड़ा घातक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार बिजली खर्च करती है और सरकार के ऊपर जो बिजली का बिल बकाया है, जो विभिन्न ऑफिसों में बिजली का बिल बकाया है, उसका भुगतान नहीं हो रहा है। और यह जो लॉस है वह गरीबों के ऊपर बढ़ोतरी कर दिया गया है, इसके विरोध में हम लोग आज सदन में और सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया बड़ा बयान। प्रशांत किशोर ने कहा कि जनता के पास विकल्प नहीं होने के कारण मजबूरी में 2019 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। लोग विकल्प तैयार करें और किसी और को प्रधानमंत्री चुने। समस्तीपुर के पूसा प्रखंड के महमदा चौक स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में बदमाशों ने लूटे करीब 11 लाख रुपए। बैंक खुलते ही 4 अपराधियों ने हेलमेट पहनकर बैंक में किया प्रवेश। पिस्तल के बल पर सभी को बनाया बंधक। लूटपाट की घटना को दिया अंजाम। 4 अपराधी थे और हम लोग इधर बैठे हुए थे, हमारा बगल में गैस एजेंसी है, कैश जमा होता है, कैश लेके आए थे जमा कर देते हैं। और सामने से देखे कि 4 अपराधी एक एक करके वो घुसे और पिस्टल निकालते हुए लहराते हुए सारे बैंक के स्टाफ को कब्जा में लिए। फिर हमारे और एक मित्र हैं हमारे, उनके पास भी एक लड़का पिस्टल लेके जो है खड़ा रहा, बोला मोबाइल नहीं निकालना है। और बैंक पदाधिकारी हिलना नहीं है, बैंक पदाधिकारी को बोल रहे थे कि स्ट्रॉन्ग रूम खोलने के लिए चाबी लाओ निकालो। और मार्केट भी इनके साथ किए, थोड़ा देर होने पर अंत में इन लोग फिर चाबी ज़बरदस्ती आर्म्स को बदौलत स्ट्रॉन्ग रूम खुलवा के और एयर बैग में सारा रुपया लेके और कैश का जो हमारा रुपया गैस एजेंसी का गिनाया था वो भी लेके। बैंक से लगभग 11 लाख रुपए लूटकर मुजफ्फरपुर की ओर भागे सभी अपराधी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बाइक सवार लुटेरे भागते आ रहे हैं नजर। घटना की सूचना मिलते ही पूसा थाना अध्यक्ष के अलावा एसपी विनय तिवारी सहित अन्य थाने की पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पूसा थाना क्षेत्र में और इसमें आज एक 10:30 बजे के आसपास लूट की घटना घटित हुई है। करीब 11 लाख के आसपास का राशि को लूटा गया। 4 अपराधी आए थे सुबह सुबह यहाँ और घटना घटित हुई है। हम लोगों ने एसआईटी पहले ही बनाई हुई है, चूँकि लगातार जो घटनाएँ हुई हैं यहाँ पर,
सोसाइटी बनाई हुई है, तो उन लोगों को प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि एक ही तरह के अपराधियों द्वारा घटना घटी गई थी, तो अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं।